आज हम लोग सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन में 4.1 समाधान के बारे में पढ़ रहे हैं। पुरातत्वविद ये जानना चाहते थे कि किसी भी संस्कृति विशेष में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता होती थी या नहीं। इसके लिए कई विधियों का प्रयोग उन्होंने किया, जिनमें से एक है समाधान का अध्ययन करना। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थे मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता के पिरामिड के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। उनमें राजकीय समाधानों के साथ धन संपत्ति इत्यादि दफनाई जाती थी, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में समाधानों के साथ धन संपत्ति दफनाने की रीति नहीं थी या उनको इसमें विश्वास नहीं था। हड़प्पा स्थलों में मिले समाधानों में आमतौर से मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। गर्त में भिन्नता होती थी। कुछ गर्त ऐसे होते थे जिनके सतह को ईंटों से चिनाई की जाती थी। तो ये भिन्नता लगता है कि सामाजिक और आर्थिक भिन्नता की ओर संकेत करता है। कुछ कब्रों में कब्रों के साथ मृत भांड और आभूषण भी मिले। तो ऐसा समझा जाता है पुरातत्वविदों का ऐसा विश्वास है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे। यही कारण है कि मृत भांड और आभूषण इनके साथ दफनाया जाता था कि इनको मृत्यु के बाद भी इन चीजों की आवश्यकता होती होगी। पुरुष और महिला दोनों के साथ ही आभूषण, दोनों के समाधानों के साथ आभूषण मिले। 1980 में हड़प्पा के कब्रिस्तानों के उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी मिली, जिसके समीप में संघ के 3 छल्ले और जैस्पर के मनके मिले और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों का आभूषण भी मिला। कहीं कहीं पर मृतकों के साथ तांबे के दर्पण को दफनाया गया था। ऐसा लगता है कि हड़प्पावासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं के दफनाने के विषय में विश्वास नहीं करते होंगे। तो ये तो हुई समाधान की बात। अब हम लोग देखते हैं कि विलासिता की वस्तुओं की खोज। पुरातत्वविद सामाजिक भिन्नता को जानने के लिए और एक उपाय का अध्ययन करते थे, वो था पुरा वस्तुओं का अध्ययन करना। पुरा वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया था, एक थी उपयोगी वस्तुएं और दूसरी थी विलासिता की वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं वे थी जो रोजमर्रा के काम में आती थी और ये सामान्य चीजों से बनी होती थी और आसानी से बनाया जा सकता था, जैसे मिट्टी पत्थर आसानी से मिल भी जाता था और बनाया भी बहुत ही सहज उपाय से जाता था। इसमें चक्कियाँ होती थी, सुइयाँ होती थी, झावा होती थी,
मृदभांड होते थे जो कि पूरी वस्तुओं में सर्वत्र पाया जाता था। और दूसरी चीज थी कीमती चीज थी, पुरातत्वविद उन्हीं चीजों को कीमती मानते थे जो दुर्लभ थी, महंगी थी और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भी नहीं होती थी और बनाने में जटिलता या तकनीकी जटिलता उसमें होती थी। जैसे फायांस एक ऐसी चीज़ थी जिसको घिसी हुई रेत या बालू के साथ रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर आग में पकाकर बनाई जाती थी, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी कठिनाई होती थी इसीलिए इसको दुर्लभ माना जाता था। इससे जो छोटे पात्र बनाए जाते थे वो बहुत ही कीमती महंगे थे क्योंकि इनको बनाना कठिन था। अब हम पुरातत्व वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम ये देखते हैं कि जो कीमती चीज़ थे, जो महंगी चीज़ थे वो साधारणतः, जो दुर्लभ थे वो साधारणतः बड़ी बस्तियों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो यहीं पर पाए जाते थे। लेकिन जो छोटी वस्तुएं बस्तियां थी उनमें ये नहीं के बराबर मिलती थी। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं कि फायांस से बने पात्र, छोटे पात्र जिसमें सुगंधित द्रव्य रखे जाते थे वे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए, लेकिन कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में वे नहीं पाए गए। और सोना तब भी आज की तरह ही दुर्लभ था और कीमती भी था, और ये सिर्फ हड़प्पा में ही इसके स्वर्ण अलंकार मिले, बाकी जगहों पे नहीं मिले। तो इसमें प्रश्न आता है, ये हड़प्पा कालीन सामाजिक भिन्नता के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? तो हम लोग कैसे जान सकते हैं हड़प्पा कालीन सामाजिक भिन्नता को? एक है कब्र की संरचना से हम लोग जान सकते हैं कि जो साधारण मिट्टी से बनी होती थी वो साधारण लोगों की कब्र होगी, और जो ईंट से, जिसकी सतह ईंट से चिनाई की गई थी वो कुछ बड़े लोगों के होंगे कब्र। तो इस तरह से सामाजिक भिन्नता का पता कब्र से चलता था। दूसरी थी विलास की वस्तुओं से, उपयोगी वस्तुएं तो सभी व्यवहार करते थे, सभी जगह पाई भी गई, लेकिन जो विलास की वस्तुएं थी जैसे फयांस से बने पात्र, सबायांस से बने जो पात्र होते थे वो कैसे बनते थे? वो बालू से, घिसी हुई बालू या रेत से जिसमें रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिलाकर मिश्रण बनाकर आग में पकाकर उसको बनाया जाता था, फिर उससे एक पात्र बनाया जाता था जिसमें सुगंधित द्रव्य रखे जाते थे। वे विलासिता की चीज़ थे, वे बड़े शहरों में ही पाए गए, बड़ी बस्तियों में ही पाई गई, छोटी बस्तियों में ये नहीं पाया गया। तो इस तरह से हम लोग सामाजिक भिन्नता को देखते हैं, ये हर जगह नहीं पाई गई क्योंकि कुछ ही लोग इसका उपयोग करते थे, और जो रोजमर्रा की चीज़ें थी, उपयोगी चीज़ें थी, वो तो सभी जगह पाई गई, वो साधारण लोगों की चीज़ थी। इस तरह से हम लोग सामाजिक भिन्नता के बारे में जान सकते हैं। तो ये हमारा सामाजिक भिन्नता का अवलोकन पार्ट 4.1 और 4.2 खत्म होता है। अब शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन चन्हुदड़ो जो बहुत ही छोटी बस्ती थी 7 हेक्टर के करीब, ये शिल्प का केंद्र था।
केंद्र स्थल माना जाता था। यहाँ शिल्प कार्य होते थे। कौन कौन से कार्य होते थे? संख की कटाई होती थी, धातु कार्य होते थे, मनके बनाए जाते थे, मोहर बनाई जाती थी, बाट बनाई जाती थी। इस तरह से ये एक शिल्प केंद्रित बस्ती थी। मनके इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मनके एक मोती की तरह चीज होती थी, जिससे माला वगैरह बनाया जाता था। मनकों के निर्माण में तरह तरह की चीज व्यवहार में आती थी। कुछ तो पत्थरों के मनके होते थे, पत्थर में कार्निलियन, स्फटिक, क्वार्ज, सेलखड़ी, जैस्पर आदि थे। कुछ धातु के मनके बनाए जाते थे, जिसमें तांबा, कांसा और सोना भी होता था। और कुछ मनके शंखचूर्ण, पकी हुई मिट्टी और फयांस से भी बनाए जाते थे। इस तरह से मनके बहुत तरह से बनाए जाते थे। फिर दो पत्थरों को आपस में जोड़कर भी मनके बनाए जाते थे। मनके बहुत से आकार के बनाए जाते थे। कुछ मनके गोलाकार, कुछ ढोलाकार, कुछ चक्राकार, कुछ बेलनाकार और कुछ खंडित होती थी। इन मनकों में चित्र भी बनाया जाता था। चित्र बनाकर इनको सजाया जाता था और कुछ में रेखांकन किया जाता था। यहाँ आपकी किताब में पेज नंबर 11 में देखिए, यहाँ मृदभांड के ऊपर में चित्रांकन किया गया है। इसी तरह के चित्र मनकों में भी बनाए जाते थे। मनके बनाने में वो किस चीज से बनी है, उसके ऊपर उसकी तकनीक कि किस तरह से बनाया जाएगा वो निर्भर करती थी। जैसे सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होती थी, उसका चूर्ण बनाया जाता था और फिर उसको लेप बनाकर उसको विभिन्न ढांचे में डालकर उससे ज्यामितिक आकृति के विपरीत दूसरी आकृतियों के मनके बनाए जाते थे। ये मनके इतने सूक्ष्म होते थे, छोटे बनाए जाते थे, छोटे छोटे मनके बनाए जाते थे कि पुरातत्वविद उनको देखकर खुद ही आश्चर्य में पड़ जाते थे कि किस तरह से ये मनके बनाए जाते होंगे उस समय। कार्निलियन जो हम लोगों ने पढ़ा है, एक तरह का पत्थर होता था, वो लाल रंग का होता था, उससे मनके बनाए जाते थे। तो इसका लाल रंग कैसे आता था? ये इसका जो कच्चा माल होता था वो पीले रंग का होता था। इसको आग में, विभिन्न चरणों में इसको आग में पकाकर इसका लाल रंग लाया जाता था। मनकों को जब ये मनके बन जाते थे तब क्या करना होता था, इसकी घिसाई की जाती थी। घिसाई करने के बाद इसको पॉलिश की जाती थी चमकाने के लिए। इसमें चमक आए, चमकाने से तो बहुत सुंदर लगता है, इसको चमकाया जाता था। उसके बाद उसमें छेद किया जाता था, क्योंकि इसमें धागा पिरोना पड़ता था। छेद नहीं करेंगे तो कैसे धागा पिरोएंगे, माला बनाना है ना। तो इसके बाद ही पूरी प्रक्रिया खत्म होती थी। ये चन्हुदड़ो, लोथल और बाद में धौलावीरा में छेद करने के उपकरण पाए गए। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, चन्हुदड़ो, लोथल और धौलावीरा में छेद करने के उपकरण पाए गए। अब नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों बस्ती समुद्र के तट के करीब थे। तो यहाँ क्या बनती थी? संख की चूड़ियाँ बनती थी, कड़छियाँ बनती थी, पच्चीकारी बनती थी। और इन बस्तियों से ये चीज़ें दूसरी जगह भी भेजा जाता था।
इस प्रकार ये संभव है कि चन्हुदड़ो और लोथल से चीजें बनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भेजा जाता होगा। अब बात आती है कि शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे पुरातत्व तत्वविदों को पता चलता था। पुरातत्वविद खोजों में लगे रहते थे प्रस्तर पिंडों के, ये कहाँ प्रस्तर पिंड मिले, पूरे शंख मिले, औजार मिले, अपूर्ण वस्तुएं मिले और त्यागी गई चीजें मिली। इसके अलावा कूड़ा कटकट भी वे लोग ध्यान से देखते थे कि कहाँ कूड़ा कटकट पड़ा है। इन्हीं चीज़ों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते थे कि यहाँ जरूर शिल्प केंद्र रहा होगा। कूड़ा कटकट शिल्प केंद्र की पहचान के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण चीज है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पत्थर का टुकड़ा हो या एक शंख का टुकड़ा हो, उसे कोई चीज बना रहे हैं तो उसको काटना पड़ता होगा, तो उसको काटने के बाद जो टुकड़े बच जाते थे वे लोग क्या करते थे, वे उत्पादन स्थल पर ही फेंक देते थे। और इन्हीं के सहारे पुरातत्वविद ये पहचान जाते थे कि यहाँ शिल्प केंद्र रहा होगा। कभी कभी क्या होता था कि बड़े टुकड़ों को छोटे आकार के चीज बनाने में काम में लगा देते थे। जब बड़ा एक टुकड़ा निकलता था, टुकड़ा से कोई चीज बना ली तो उससे एक छोटा टुकड़ा निकला, तो उससे और भी कोई छोटी चीज बनानी होती तो वो बना लेते थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ कूड़ा कटकट जो निकल गया उसको फेंक देते थे। इसी तरह ये फेंके हुए टुकड़ों से ही शिल्प केंद्र की पहचान हो जाती थी। ऐसे ही कुछ टुकड़े मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले होंगे तो वहाँ भी कुछ चीज़ें बनती होंगी। तो इसमें प्रश्न हमको देखना है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से थे। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ाई है कि इसमें पत्थर भी काम में लाए जाते थे मनकों में, तो कौन कौन से पत्थर, कार्निलियन, स्फटिक, जैस्पर, क्वार्ज, सेलखड़ी, ये हुए पत्थर। और धातु भी काम में लाए जाते थे, तो धातु कौन कौन से हुए, तांबा, कांसा और सोना भी। इसके अलावा क्या होता था, पकी हुई मिट्टियाँ और शंख से भी मन के बनाए जाते थे। और हड़प्पावासी कार्निलियन का लाल रंग कैसे प्राप्त करते थे, तो इसके कच्चा माल जो होता था इसका वो पीला रंग का होता था, और उस पीले माल को ये लोग आग में कई चरणों में पकाकर लाल रंग प्राप्त करते थे। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि कोई एक विधि बताइए मन को मन के बनाने के, तो इसमें हम लोग सेलखड़ी, हम लोग के किताब में भी है, हम लोग सेलखड़ी के बारे में बता सकते हैं कि सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर है, उसका चूर्ण बनाते थे, चूर्ण बना के इसका लेप बनाते थे और फिर इसको विभिन्न आकृति के मनकों के आकार में सांचे में ढालकर बना लेते थे। उसके बाद इसकी घिसाई होती थी, पॉलिश होती थी और उसके बाद इसको छेद कर दिया जाता था। छेद करके इसमें धागा पिरोकर माला बनाया जाता था। इस तरह से मनके तैयार होते थे। तो इसमें मैंने प्रश्न बता दिया आपको और मनकों के विषय में बता दिया और इसमें उत्पादन केंद्रों की पहचान के बारे में आपको बता दिया है। तो इस तरह से ये आपका उत्पादन केंद्रों की पहचान यहाँ खत्म होता है।